आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा था। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां पर आ गए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने सभी को आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में बताते हुए कहा कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवताओं का रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने के लिए पंक्ति में बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। अपने गुरु के मुख से ऐसे वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे गुरु शुक्राचार्य द्वारा बताया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सभी रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा। इंद्रदेव जलंधर द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने भीतर स्थान क्यों दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सभी रत्नों को हर लिया है। मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और उसे सभी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर जलंधर क्रोध के मारे अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने तैयारी आरंभ कर दी। समस्त दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास आए। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में जलंधर ने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने के लिए चले गए। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लेकर उन्हें जीवित करने लगे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता
कैसे जी सकते हैं। जीवित करने वाली विद्या तो सिर्फ गुरुदेव के पास है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देव गुरु बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ दिया तथा समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र जलंधर युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब देव गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी से औषधि लेने गए तो द्रोणागिरी को उखड़ा हुआ देखकर वहां कुछ भी नहीं मिला। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध को बंद करो, जलंधर को अब हम नहीं जीत सकेंगे। पहले ही इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुनकर सभी देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। सागर पुत्र जलंधर निडर होकर अमरावती में घुस गया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 10वें दिन का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।